हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को केस स्टडी में। मैं अकबर बिष्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर बताऊंगा आर्मी कलर के दोस्तों क्वेश्चन पेपर, जो आपका दोस्तों खास तौर पर आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको अलग अलग वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपके बिल्कुल ही जेन्युइन क्वेश्चन यहाँ पर हैं। तो आराम से देखेंगे दोस्तों वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक। और देखिए, शुरू करने के पहले शुरू से एक दरख्वास्त करना चाहेंगे दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको प्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों आराम से। आप देखिए सभी क्वेश्चनों का आप नोट करेंगे। बात करेंगे पहले दोस्तों 2020 के क्वेश्चनों की। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपके कंप्यूटर में केवल आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। एक सेक्शन आपका आता है दोस्तों, वहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए 2020 का क्वेश्चन यहाँ पर है। पहला क्वेश्चन क्या देखता है दोस्तों आपको, हब डेडेस नेटवर्क से संबंधित रखता है, अर्थात दोस्तों हब इज एसोसिएटेड विद नेटवर्क। किससे दोस्तों, पृथ्वी से या सूर्य से या चंद्रमा से या फिर स्टार से। दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहले आप समझिए नेटवर्किंग हब होता क्या है दोस्तों। नेटवर्किंग हब दोस्तों एक प्रकार का बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस होता है, जिससे दोस्तों बहुत सारे मल्टीपल कंप्यूटर्स को दोस्तों एक दूसरे के साथ में कनेक्ट किया जाता है। तो नेटवर्किंग हब का मतलब आप समझ रहे हैं, बहुत सारे कंप्यूटर को दोस्तों आप क्या करते हैं, आपस में दोस्तों एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो आपका दोस्तों नेटवर्किंग हब का एग्जाम्पल यहाँ पर है सबसे बेसिक में, वो आपका होता है स्टार नेटवर्किंग दोस्तों, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा, स्टार नेटवर्किंग। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो आपका स्टार नेटवर्किंग होता है एक प्रकार से हब का दोस्तों एग्जाम्पल होता है। ये दोस्तों स्टार नेटवर्किंग एक प्रकार का आम कंप्यूटर नेटवर्क होता है दोस्तों। इसमें क्या है, कंप्यूटर एक केंद्रीय नेटवर्क कनेक्टर से जुड़ा रहता है। तो ये आपका डी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, वेब ब्राउजर नहीं है। कौन सा वाला दोस्तों, इनमें से वेब ब्राउजर नहीं है, डेडेस इज नॉट अ वेब ब्राउजर। ये आपका नेटस्केप या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर या ओपेरा या फिर माइक्रोसॉफ्ट आउटपुट। ये दोस्तों आपका माइक्रोसॉफ्ट आउटपुट नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यह एक प्रकार की मेल है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, डेडेस एक इनपुट डिवाइस नहीं है। आपको बताना है दोस्तों, डेडेस इज नॉट अ इनपुट डिवाइस। पहले आप इनपुट डिवाइस को समझेंगे दोस्तों, इनपुट डिवाइस होती क्या है, उसके बाद आपको आराम से पता लगेगा। इसके आधार पर बहुत बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, आउटपुट और इनपुट डिवाइस आपके पूछे जाते हैं। इनपुट डिवाइस दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो आपकी इन्फॉर्मेशन को एक प्रकार से कंप्यूटर के दोस्तों माइंड तक अर्थात सीपीयू तक पहुंचाती है, उसे बताती है दोस्तों क्या है इन्फॉर्मेशन, तो उसी को दोस्तों एक प्रकार से आप इनपुट डिवाइस कहते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, हमारे दिमाग में होता है, आप बहुत सारी यहाँ पर सेंस जो हमारे बॉडी में आते हैं, मान लीजिए आपका हाथ में कोई आपने टच किया, तो ये सेंस दोस्तों एक प्रकार से माइंड तक पहुँचता है। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका ले जा रहा है दोस्तों, यही आपके एक प्रकार से इनपुट डिवाइस हो गए, और यहाँ से जो आपका निकल के आएगा दोस्तों माइंड से, जो आपका प्रतिक्रिया होगी वो दोस्तों एक प्रकार से आउटपुट कहलाती है। तो बिल्कुल यही होता है दोस्तों, कंप्यूटर में आपका जो ब्रेन होता है वो आपका सीपीयू हो गया, और बिल्कुल यही प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर देखिए, जो आपकी डिवाइस होंगी वो आपकी इनपुट होंगी। अब यहाँ पर देखिए, माउस होगा, कीबोर्ड होगा या वीडियो होगा या फिर आपका लाइट पेन होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपका नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ पर वीडियो दोस्तों आपका नहीं होगा। माउस, कीबोर्ड और लाइट पेन दोस्तों तीनों के तीनों क्या है दोस्तों, एक प्रकार से इनपुट डिवाइस होते हैं। और भी दोस्तों, यदि आपको इनपुट डिवाइस के नाम यदि याद रखने हैं तो आप याद रखेंगे दोस्तों, इनमें आपका कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड एक प्रकार से हो गया दोस्तों, एक आपका यहाँ पर माउस हो गया, एक आपका स्कैनर हो गया, एक दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए डिजिटल कैमराज भी दोस्तों आपके होते हैं, इसी के अंदर आते हैं, और माइक्रोफोन भी दोस्तों इसी के अंदर आते हैं। तो इनको सभी को आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट का मतलब आप समझिए दोस्तों पहले, स्प्रेडशीट एक प्रकार से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्प्रेडशीट। ये दोस्तों एक प्रकार की देखिए जाल की टाइप की दोस्तों एक शीट होती है, खासतौर पर दोस्तों इसका इस्तेमाल आप करते हैं कार्यपत्र का हिसाब करने में दोस्तों, कार्यपत्र का हिसाब करने में वाले कागज में दोस्तों इसका आप इस्तेमाल करते हैं। तो खासतौर पर दोस्तों इसका इस्तेमाल वित्तीय जानकारी के लिए किया जाता है। तो यह एक प्रकार की दोस्तों एमएस एक्सेल होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। एमएस एक्सेल को दोस्तों कभी कभी आपका कह दिया जाता है स्प्रेडशीट। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, कंप्यूटर के संदर्भ में मोडेम का विस्तार रूप क्या है। मोडेम को पहले आप समझिए दोस्तों, यह एक प्रकार की इनपुट और आउटपुट डिवाइस होती है। तो इसका आपको दोस्तों फुल फॉर्म बताना है मोडेम का क्या होगा। यह आपका मॉड्यूलेटर डिमोडेटर होगा या माइक्रो डेमो होगा या माइक्रो डेमोन्स होगा या फिर मोनो डेमो होगा। ये दोस्तों आपका मॉड्यूलेटर डिमोडेलेटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ई वाला सही हो जाएगा। ये दोस्तों एक प्रकार की इनपुट आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि दोस्तों दोनों प्रकार का कार्य करती है। और दोस्तों यह एक प्रकार का उपकरण या फिर प्रोग्राम है, जो कि कंप्यूटर को दोस्तों डेटा संचारित करने में सक्षम बनाता है। तो जैसे दोस्तों आप देखते हैं टेलीफोन में ते हैं या फिर आप देखते हैं दोस्तों केबल लाइन में, तो वहां पर दोस्तों यही प्रोसेस होती है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 2020 के अलग क्वेश्चन यहाँ पर हैं, अलग पेपर के क्वेश्चन यहाँ पर हैं। पहला क्वेश्चन देखता है आपको, WWW का पूरा नाम क्या होगा। आपको बताना है दोस्तों फुल फॉर्म ऑफ WWW। ये दोस्तों आपका वर्ल्ड वाइड वेब होगा या वर्ल्ड
वर्क वेव होगा या वर्ल्ड वाइड वेव होगा, वाइट वेव होगा या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपका वर्ल्ड वाइड वेव होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, बार बार आता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये होता कि आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी बता होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए दुनिया में जितने भी आपके वेबसाइट हैं या वेब पेज हैं दोस्तों, उन सभी का जो कॉम्बिनेशन होता है एक प्रकार से, वही आपका दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब कहलाता है। तो आप याद रखेंगे, और जो भी दोस्तों आप यूआरएल डालते हैं कोई किसी भी वेबसाइट का, यूआरएल मतलब एक प्रकार से एड्रेस होता है दोस्तों, पता होता है, तो इसको आप डालते हैं तो वो कहाँ जाएगा दोस्तों, वो यहाँ ही जाएगा, यहाँ से ही ढूंढेगा, तो इससे ही दोस्तों आप कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको समझना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अभी अभी आपको हमने इनपुट बताया था, जो कि आपका इन्फॉर्मेशन को दोस्तों माइंड तक, सीपीयू तक पहुंचाता है कंप्यूटर के। अब यहाँ पर देखिए जो आपका आउटपुट होता है, जो आपका दोस्तों निकलता है, जो आपका प्रतिक्रिया के रूप में निकलता है दोस्तों, वो आपका कौन सा वाला नहीं है आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ आउटपुट डिवाइस, ये आपका मॉनिटर होगा, स्पीकर होगा, या प्रिंटर होगा, या कीबोर्ड होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए मॉनिटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है दोस्तों, स्पीकर भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी दोस्तों एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड दोस्तों आपने देखा इनपुट डिवाइस होता है, तो ये दोस्तों इनपुट डिवाइस हो जाएगा। और भी दोस्तों यदि आपको आउटपुट वाले देखने हैं तो आप याद रखेंगे दोस्तों, इनमें से आपके जो ऑडियो होता है दोस्तों, वीडियो होता है, ये सारे के सारे क्या है, आउटपुट है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आउटपुट डिवाइस मतलब ऐसे ऐसे डिवाइस होते हैं दोस्तों, हार्डवेयर के ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि क्या करते हैं दोस्तों, किसी भी इन्फॉर्मेशन को ह्यूमन रीडेबल बनाते हैं, अर्थात ह्यूमन की रीडेबल मतलब पढ़ने योग्य बनाते हैं। तो ऐसे दोस्तों सारे के सारे डिवाइस आपके क्या होंगे दोस्तों, आउटपुट डिवाइस होंगे। इनमें आपके यहाँ पर देखिए टेक्स्ट भी आता है दोस्तों, इनमें ग्राफिक्स भी इसी के अंदर आता है, वीडियो ऑडियो सभी इसके अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, पास्कल है, पास्कल क्या है दोस्तों आपको बताना है। कंप्यूटर का एक प्रकार होता है, या कंप्यूटर की एक भाषा होती है, या फिर आउटपुट डिवाइस होता है, या कोई नहीं। ये दोस्तों एक प्रकार की कंप्यूटर की दोस्तों भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। या दोस्तों एक प्रकार की उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा होती है दोस्तों, आप याद रखेंगे उच्च स्तरीय होती है दोस्तों, हाई लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। और इसका दोस्तों यहाँ पर देखिए जो डिजाइन किया गया था, इसको डिजाइन किया था दोस्तों निकोलस रोथ ने दोस्तों, कभी आपका हो सकता आ सकता है, निकोलस रोथ ने दोस्तों इसको डिजाइन किया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, कंप्यूटर मेमोरी को किस में मापा जाता है, आपको बताना है। कंप्यूटर मेमोरी मेजर्ड इन विच यूनिट, ये आपका किलोबाइट में, या गीगाबाइट में, या टेराबाइट में, या बाइट में। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है दोस्तों, खासतौर पर उसको जीबी में आप देखते हैं दोस्तों, अर्थात गीगाबाइट में देखते हैं। और आपको पता होगा दोस्तों 1 गीगाबाइट बराबर कितना होता है, 1024 मेगाबाइट दोस्तों, तो ये आपको पता होनी चाहिए, सारे के सारे दोस्तों आपको पता होनी चाहिए, छोटे यूनिट से लेकर बड़े यूनिट तक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, बिट का विस्तार रूप है, आपको बताना है फुल फॉर्म ऑफ बिट। दोस्तों यहाँ पर देखिए बिट आपकी सबसे छोटी वाली इकाई होती है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होगा, बाइनरी डिजिट होगा, या बाइनरी मेमोरी होगा, या फिर बाइनरी यूनिट होगा, या बाइनरी लैंग्वेज होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है बाइनरी डिजिट दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। बाइनरी डिजिट अर्थात दोस्तों आपकी द्व्यंक, आप इसे कहते हैं द्व्यंक, या फिर आप दोस्तों द्व्याधारी अंक कहते हैं, इसमें दोस्तों 0 और 1 इस्तेमाल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए नए पेपर के, जो पुराना पेपर है उसके भी दोस्तों 5 क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं, जो एग्जाम में आपके आए थे। पहला क्वेश्चन क्या दिखता है दोस्तों आपको, OMR का अर्थ है, अर्थात दोस्तों आपको फुल फॉर्म ऑफ OMR बताना है। ये आपका ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन होगा, या ऑप्टिकल मार्क रीडर होगा, या ऑप्टिकल मैसेज रीडर होगा, या नन ऑफ दीज। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन दोस्तों, रिकॉग्निशन, ऑप्शन नंबर आपका ये वाला सही हो जाएगा। OMR शीट आपने सुना होगा दोस्तों, एग्जाम में आप जब पेपर देते हैं तो आपका OMR शीट होती है, तो उसमें दोस्तों आप इसी का इस्तेमाल करके उसमें से दोस्तों आंसर चेक करते हैं, बहुविकल्पी प्रश्नों में दोस्तों इसका प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक्सेल में ऑटो करेक्ट विकल्प किस में पाया जाता है, आपको बताना है दोस्तों। इन एक्सेल द ऑटो करेक्ट ऑप्शन कैन बी फाउंड इन, कहाँ पर दोस्तों, या आपका फॉर्मूलाज में, या पॉपुलर में, या प्रूफिंग में, या फिर एडवांस में। ये दोस्तों आपका प्रूफिंग में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला प्रूफिंग में दोस्तों पाया जाता है। और इसका इस्तेमाल आप कहाँ पर करते हैं दोस्तों, प्रूफिंग का आप यूज़ कहाँ पर करते हैं, इसका यूज़ आप करते हैं दोस्तों स्पेलिंग में, या फिर रिसर्च में दोस्तों, और भी बहुत सारी चीज़ों में करते हैं, तो मुख्यतः दोस्तों आप स्पेलिंग में, रिसर्च में इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये दोस्तों आपके किसी भी डॉक्यूमेंट को, कोई भी आपने डॉक्यूमेंट संपादित करना है, तो उसके लिए दोस्तों 50 लैंग्वेज से ज़्यादा आपको प्रोवाइड कराता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम को पर्सनल कंप्यूटर में लोड करना क्या कहलाता है, अर्थात दोस्तों आपको बताना है व्हाट इज लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू अ पर्सनल कंप्यूटर कॉल। ये दोस्तों आपका डाउनलोडिंग कहलाएगा, बूटिंग कहलाएगा, इंस्टॉलिंग कहलाएगा, कोई नहीं। ये दोस्तों आपका कहलाता है बूटिंग दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। बूटिंग आपका कहलाता है दोस्तों,
बेसिकली दोस्तों कंप्यूटर के खोलने की जो प्रोसेस होती है दोस्तों, उसे ही आप बूटिंग कहते हैं। बूटिंग का मतलब कंप्यूटर के खुलने की जो आपकी प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, तो वही आपकी होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में वायरस का सबसे आम स्रोत क्या होता है? आपको बताना है दोस्तों, द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ वायरस टू द हार्ड डिस्क ऑफ कंप्यूटर इज, ये आपका दोस्तों कहाँ से होगा? एक जो कॉमन आपको बताना है सोर्स कौन सा होगा दोस्तों, ये आपका सीडी रोमर होगा, या इनकमिंग मेल होगा, आउटकमिंग मेल होगा, या फिर वेबसाइट होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है इनकमिंग ईमेल दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। इनकमिंग ईमेल के माध्यम से दोस्तों आपके में खासतौर पर वायरस आता है। इसमें दोस्तों यदि आप क्लिक करते हैं लिंक पर, तो वहाँ से दोस्तों वो एक्टिव हो जाता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, कंप्यूटर में एक निबल बराबर होता है। एक निबल मतलब आपको बताना दोस्तों, इन कंप्यूटर वन निबल इज इक्वल टू, निबल का मतलब आप समझिए दोस्तों। पहले निबल एक प्रकार से दोस्तों डेटा को संरक्षित करने की दोस्तों इकाई होती है। जिस प्रकार से आपकी बाइट होती है, बिट होती है, वैसी दोस्तों निबल भी होती है। तो निबल में आपको दोस्तों इनमें से संबंध बताना है, वन निबल बराबर क्या होगा, 4 बिट्स होगा या 4 बाइट्स होगा, या 8 बिट्स होगा या फिर 8 बाइट्स होगा। ये दोस्तों आपका 4 बिट्स होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा दोस्तों। इसे दोस्तों आप हाफ बाइट भी कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों आप, 1 बाइट बराबर आपका होता है दोस्तों 8 बिट्स दोस्तों, 8 बिट्स आपका होता है। तो इसका मतलब हाफ मतलब हो गया दोस्तों आपके 4 बिट्स। तो 4 बिट्स बराबर कितना होगा दोस्तों, 1 निबल होगा। तो 1 निबल में दोस्तों आपके 4 बाइट्स होते हैं, बिट्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आप सभी संबंधों को आप याद रखेंगे, ताकि दोस्तों आपका एग्जाम आने पर आराम से आप कर पाए इनको। तो ये रहे दोस्तों आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे दोस्तों अलग अलग वर्षों की। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक पहुंचे दोस्तों। और भी इस प्रकार के क्वेश्चनों का आपको लगातार बताते रहेंगे, हमारे साथ भी बने रहेगा। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।